आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि मोबाइल से पीडीएफ फाइल कैसे बनाएं। अगर दोस्तों आपने मोबाइल फ़ोन से पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से बिल्कुल आसानी से पीडीएफ फाइल बना सकते हो। पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब दोस्तों आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे प्ले स्टोर पर आ जाएंगे और आप वहीं से उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, हमने ऑलरेडी अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है। तो दोस्तों मैं एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। जैसे दोस्तों आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह से एप्लीकेशन ओपन होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जब दोस्तों ये एप्लीकेशन पूरी तरह से ओपन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। दोस्तों आप इसी एप्लीकेशन की मदद से अपनी पीडीएफ फाइल बनाएंगे। तो दोस्तों पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आपको नीचे दिखाई पड़ेगा स्कैन पीडीएफ, आपको स्कैन पीडीएफ पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप स्कैन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर कैमरा ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जब दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर कैमरा ओपन हो जाएगा तो आप जिस भी डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ में बनाना है तो आपको उसका फोटो खींचना है। फोटो खींचने के लिए आपको नीचे कैमरा का आइकन दिखाई पड़ेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद स्कैनिंग होगा, उसके बाद आपका जो फोटो है यहाँ पर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको कोई दूसरा यहाँ पर जो कि पीडीएफ बनाना है तो आपको उसका फोटो खींच लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पर दो फाइल ले लिया, यानी 2 GPG फाइल ले लिया। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे दिखाई पड़ा है प्रोसीड, आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। दोस्तों आप यहां से अपने फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं, जितना चाहे उतना उधर से क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको अपने फ़ोटो को क्रॉप नहीं करना तो आपको नो क्रॉप पर क्लिक करना है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, आपको नीचे नो क्रॉप दिखाई पड़ा है, आपको ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्रॉप नहीं होगा, अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूसरा फोटो आ जाएगा, तो उसे अगर आपको क्रॉप करना है तो क्रॉप कर दीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर अपने फ़ोटो को क्लियर रखना है तो आपको इसी पर रहने देना। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर अपने फ़ोटो को ओरिजिनल रखना है तो आपको नीचे दिखाई पड़ेगा ओरिजिनल, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ओरिजिनल फ़ोटो आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको अपने फ़ोटो को थोड़ा सफा करना है, थोड़ा क्लियर करना है, तो आपको नीचे दिखाई पड़ा है मैजिक कलर वन, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो यहां पर क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अगर दोस्तों आपने फ़ोटो को थोड़ा और क्लियर करना चाहते हो तो आपको मैजिक कलर 2 पर क्लिक करना है, तो आपका जो फ़ोटो है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उतना ही रखता हूँ जितना हमें बिल्कुल सफा सफा दिखाई पड़े। मैं मैजिक कलर 1 को सिलेक्ट करूँगा, तो उसके बाद मैं डन पर क्लिक करूँगा। जैसे दोस्तों आप डन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो PDF है कुछ इस तरह से बनकर आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे ऊपर डाउनलोड का आइकन दिखाई पड़ेगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो आपको नीचे दिखाई पड़ेगा डाउनलोड एज PDF, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो PDF है डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अभी मैं आपको अपने मोबाइल के अंदर ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं अपने मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर ऐप को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद डैश पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं अभी आपको PDF ओपन करके आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं PDF पर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं ड्राइव को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद आप देख सकते हो मेरा जो PDF है यहां पर ओपन हो रहा है। जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरा जो PDF यहाँ पर ओपन हो चुका है। इस तरीके से आपने मोबाइल फ़ोन से आप बिल्कुल आसानी से PDF को बना सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा कैसे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से हम PDF को बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको पता चल गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।